ओला, सबको नमस्कार। फिर से एक बार सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये ओला ओला क्या है। मैं हूँ स्पेन में, और स्पेन में हेलो को बोलते हैं ओला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आजकल मैं आ रहा हूँ जैसे पहाड़ों में, सामने बस दिखाई दे रही है, जैसे कि मैं हूँ पहाड़ से और पहाड़ के उत्तराखंड गढ़वाल से, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस आनंद आ रहा है। एकदम शांत वातावरण और एक पक्षियों का पहचाना, कम से कम मुझे 30-35 साल के बाद ऐसा माहौल मिला, देखने को मिला, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। काफल का पेड़, और हालांकि अभी कच्ची है, खाने का इतना मज़ा नहीं आएगा इसको। तो मैंने अभी जो होटल के स्टाफ था वो यहाँ पे अपने जॉब पे था, तो मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करके पूछा कि इसको स्पेनिश में क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला माद रोनियो ओला। जो सी कर रहे थे बोले थे यस यस यस, सी को बोलते हैं यहाँ पे यस यस यस। वो जो अपना पहाड़ी भाई था बोलता कि भाई तेरा दिमाग ख़राब है क्या, काफल है। तो थोड़ा गर्मी गर्मी होगी, तो मेरे जैसा कोई सज्जन आदमी होगा उसने बोला भाई ये है फल, खा फल और जा। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया में बहुत सारी भाषा हैं, बहुत सारे, और दूसरी बात यह है कि एक पहाड़ी को पहाड़ दिख जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। चलती रहेंगी जब तक कि इंसान ने घमंड का पहाड़ यानी ईगो का पहाड़ और नफरत के झाड़ से बाहर नहीं निकला, तब तक ये प्रॉब्लमें चलती रहेंगी। और बस उत्तराखंड में भी होता है, और इसको बोलते हैं पैनिया, क्योंकि नैया पैया गुराद फुलून होली धरती सजी देखी ऐ। अभी तुम्हारे गढ़ रत्न नेगी जी ने गाना गाया था जे में, देहरादून की भी याद आ गया यार, वाह। ये है जी बादाम, पाँव पे भी चलेगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि लोग शेर से नहीं डरते, भाई चींटी से डर गया। अरे चींटी ऐसी काटती ना, शेर से तो फिर भी फाइट कर सकते हैं, तो जब चींटी काटेगी ना तो उछलते फिरोगे। और इसके नीचे बिल्डिंग के नीचे पूरा जिम है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।